नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो KVS में टीचर बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और KVS का एम्प्लॉय बनना चाहते हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन में वो काम करना चाहते हैं, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि KVS में मेडिकल फैसिलिटीज़ को लेकर क्या क्या सुविधाएँ हैं, मेडिकल की क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं और आपको अगर ट्रीटमेंट वगैरह करवाना हो तो किस तरह से यहाँ पर मेडिकल क्लेम आप ले सकते हैं। दोस्तों, KVS को ज्वाइन करने के बाद में कई बार हमें मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। कभी हम बीमार हो सकते हैं, हमें अपने मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है या हमारी फैमिली में कोई और कोई बीमार हो जाए, कोई और सदस्य बीमार हो जाए तो हमें उसके मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, इसमें बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है। यदि आप KVS के एम्प्लॉय बन गए हैं उसके बाद में केंद्रीय विद्यालय संगठन आपको मेडिकल की सुविधा देता है। आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं लेकिन उसके लिए आपको एक प्रोसीजर फॉलो करना होगा। यदि आपको अपना ट्रीटमेंट करवाना है या आपके परिवार में किसी का ट्रीटमेंट करवाना है जो कि आपके आप पर डिपेंडेंट होना चाहिए, आपके पापा मम्मी यदि किसी सरकारी जॉब में नहीं है तो वह आप पर डिपेंडेंट होंगे, तो उनकी देखभाल की जिम्मेदारी आपकी होती है। मेडिकल ट्रीटमेंट अगर आप उनके लिए भी आप ले सकते हैं तो दोस्तों, आपको सबसे पहले RO से परमिशन लेनी पड़ेगी। RO मतलब रीजनल ऑफिस। आपका विद्यालय एक RO के अंडर में आता होगा, रीजनल ऑफिस के अंडर में आता होगा, तो आपको अपने विद्यालय के माध्यम से थ्रू प्रॉपर चैनल टू प्रिंसिपल के माध्यम से आपको RO को एक परमिशन एप्लीकेशन भेजनी होगी। अब RO में आप किसको लिखेंगे? RO में सबसे ऊपर जो ऑफिसर होते हैं वो होते हैं डेप्यूटी कमिश्नर, तो आपको डेप्यूटी कमिश्नर को एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी और उसमें आप रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं CGHS एम्पैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल से आप करवाना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों, आप सब मानते हैं कि सरकारी अस्पताल में उतनी अच्छी सुविधाएं नहीं मिलती हैं, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लें, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट को लेकर काफ़ी अच्छी सुविधाएं मिलती हैं, तो ऐसे में आप प्राइवेट हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो RO में जब आपकी परमिशन के लिए जो एप्लीकेशन जाएगी वहां पर उसको रिव्यू किया जाएगा और आपको परमिशन मिल जाएगी। उसके बाद में आपके स्कूल में, आपके विद्यालय में RO की तरफ से मेल आएगा और उस मेल में आपको परमिशन भेजी जाएगी, तो आपके प्रिंसिपल के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा कि सर, आपकी मेडिकल ट्रीटमेंट को लेकर जो आपने एप्लीकेशन लिखी थी उसका जवाब आ गया है, आपको परमिशन दे दी गई है, अब आप जो ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, आप मेडिकल ट्रीटमेंट आपने किसी नज़दीकी अस्पताल से, जो कि आपके स्कूल के नज़दीकी कोई अगर अच्छा प्राइवेट CGHS एम्पैनल्ड हॉस्पिटल है वहाँ से भी आप ले सकते हैं, इलाज करवा सकते हैं। यदि आप अपने होम टाउन में, मान लीजिए आप दिल्ली के रहने वाले हैं या आप और किसी बड़े शहर के रहने वाले हैं और आपको लगता है कि आपके शहर में ज़्यादा अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, अपने आपके आसपास आपके नज़दीक बहुत अच्छे अस्पताल हैं जहाँ से आप मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं और वो CGHS एम्पैनल्ड हॉस्पिटल भी हैं, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। लेकिन एप्लीकेशन लिखते समय जो आप परमिशन के लिए एप्लीकेशन लिखेंगे उसमें ये सब चीज़ें मेंशन करेंगे कि मैं अपने होम टाउन के नज़दीक, अपने गृह नगर के नज़दीक में जो मेरे नियर बाई जो CGHS एम्पैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ से ट्रीटमेंट लेना चाहता हूँ, तो आपको वो सब परमिशन में आपको मेंशन कर दिया जाएगा। उसके बाद जब आप अपना ट्रीटमेंट करवा लेते हैं तो उसके बाद में जो भी खर्चा आपका हुआ है वो सारे मेडिकल के जो बिल्स हैं वो आपको जमा करने होंगे, सारे कलेक्ट करके लाने होंगे और जो उस हॉस्पिटल का जो चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है उससे भी एक स्टैम्प लगवानी पड़ेगी आपको। उसके बाद में वो सारे के सारे बिल आपको अपने विद्यालय के ऑफिस में क्लेम के लिए जमा करने होंगे, सेटल करने होंगे। उसके बाद में जो भी आपका खर्चा हुआ है CGHS एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में, जो भी आपका खर्चा होगा वो CGHS रेट के अनुसार ही होगा और प्राइवेट हॉस्पिटल भी आपको परमिशन के बाद में CGHS रेट पर ही ट्रीटमेंट देगा, तो जो जो भी खर्चा CGHS रेट के अनुसार आपका हुआ है वो आपके विद्यालय के माध्यम से आपको दे दिया जाएगा। कुछ बड़ा अमाउंट होता है तो वो बड़ा अमाउंट पास होने के लिए RO चला जाता है और 50,000 के नीचे का जो अमाउंट होता है वो आपका विद्यालय अपने लेवल पर उसके पास कर सकता है। तो ये इस तरह से आपको आपका जो रीएम्बर्समेंट है वो आपके बैंक अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा स्कूल की तरफ से और इसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन भी दी जाएगी अपने स्कूल की तरफ से।
तो दोस्तों ये तो हुआ थ्रू प्रॉपर चैनल परमिशन के माध्यम से एक ट्रीटमेंट की फैसिलिटी को अवेल करना। दोस्तों मेडिकल फैसिलिटी को पाने का एक दूसरा तरीका और भी है। कई बार ऐसा होता है कि हम अचानक से बीमार पड़ सकते हैं, हमें मालूम नहीं पड़ता, कभी कोई इमरजेंसी आ सकती है और इमरजेंसी केस में आप परमिशन लेने के लिए आरओ तक जाएंगे तो उसके बाद परमिशन को आने में टाइम लगता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि यदि कभी इमरजेंसी केस आ जाता है आपके लिए और इमरजेंसी में आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ जाता है, तब ऐसे में आपको अपने जिस हॉस्पिटल से आपने ट्रीटमेंट लिया है वहाँ से आपको एक इमरजेंसी सर्टिफिकेट उस हॉस्पिटल से आपको बनवाना होगा, और उस इमरजेंसी सर्टिफिकेट के साथ में आपके जो खर्चे के जो मेडिकल ट्रीटमेंट में जो भी आपके एक्सपेंडिचर्स हुए, जो भी खर्चा हुआ है, वो सारे बिल्स साथ में जो आपका इमरजेंसी सर्टिफिकेट है वो, ये सबको इकट्ठा करके आपको अपने विद्यालय में जमा करना होगा। ऐसे में आपको आरओ से परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने इमरजेंसी, आपका जो ट्रीटमेंट था वो इमरजेंसी में हुआ है, इमरजेंसी केस था, और उसके साथ आपने इमरजेंसी सर्टिफिकेट भी लगवा लिया है। तो ऐसे में आपको आरओ से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर हो सके तो जब आप अपने विद्यालय को जस्ट मेल के थ्रू या प्रिंसिपल सर को फ़ोन के माध्यम से आप उन्हें जब इन्फॉर्म कर दें कि सर ऐसे ऐसे इमरजेंसी आ गई है और मैं अपने इमरजेंसी में मुझे इस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेना पड़ रहा है, तो ऐसे में बस आपको इन्फॉर्म कर देना है। उसके बाद में बिल जमा करते समय वो इमरजेंसी सर्टिफिकेट और बाकी जो भी आपके मेडिकल बिल्स हैं वो सब आप सबमिट कर दीजिए अपने विद्यालय में। उसके बाद में आपका जो स्कूल का ऑफिस है वो आपको रिएम्बर्समेंट दे देगा। तो दोस्तों ये थी केंद्रीय विद्यालय संगठन में मेडिकल फैसिलिटीज़ को लेकर जानकारी। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो बड़े शहर हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, वहाँ पर कई बार CGHS कार्ड भी इशू कर दिया जाता है, लेकिन KVS के जो एम्प्लॉई हैं वो बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में तो नहीं होते हैं, वो तो देश भर में ही होते हैं, नॉर्थ ईस्ट में होते हैं, अंडमान निकोबार में होते हैं और बाकी अन्य दूसरे स्टेट्स में भी होते हैं। तो हर जगह तो CGHS कार्ड नहीं मिलता है, लेकिन परमिशन के माध्यम से आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इमरजेंसी केस हो गया तो इमरजेंसी में एडमिट हो जाइए, इमरजेंसी सर्टिफिकेट आप इशू करवा लीजिए हॉस्पिटल से, उसके बिहाफ पर पूरा मेडिकल आप क्लेम ले सकते हैं। तो दोस्तों केंद्रीय विद्यालय संगठन में एम्प्लॉइज की मेडिकल सुविधाओं का भी ख्याल रखा गया है। तो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।